हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए, हम लोग मटन का पाया या बकरे का पाया या खस्सी का पाया बोल सकते हैं, बनाने जा रहे हैं। देखिए, मेरा कुकर बिल्कुल गर्म हो चुका है। मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डाल रहा हूँ। अब सरसों का तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं गोटा जीरा, एगो रेड चिल्ली, लाल मिर्चा गोटा, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, सबको मैं डाल दिए हैं। हम लोग सबको डाल दिए हैं। देखिए, मिट्ठू का मम्मी डाल रही है। अब देखिए, मिट्ठू का मम्मी बिल्कुल ही प्याज डालने जा रही है। करीब प्याज हम लोग का 300 ग्राम है। इसको अच्छे से चॉप कर लिए हैं, छोटा छोटा काट लिए हैं। देखिए, अब बिल्कुल गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। प्याज में अब थोड़ा सा नमक ऐड करना है ताकि प्याज जल्दी गल जाए। देखिए, थोड़ा सा नमक ऐड कर लिए ताकि प्याज जल्दी गल जाए। प्याज को इतना देर तक भूनना है कि जब तक कि प्याज का कलर ब्राउन ना हो जाए, बिल्कुल ही दिखने में हल्का रेड जैसा ना हो जाए, हल्का लाल जैसा दिखेगा, उतना देर तक फ्राई करना एकदम मीडियम गैस का फ्लेम में। देखिए, पूरा एकदम प्याज भी तेल छोड़ रहा है। देखिए कैसा दिख रहा है, एकदम देखिए रेड होने ही वाला है। अब मैं इसमें मसाला का पेस्ट डाल रहा हूँ, जिसमें मसाला का पेस्ट में है लहसुन, अदरक, जीरा गोटा, धनिया गोटा, गरम मसाला वाला गोटा वाला, थोड़ा सा प्याज, लौंग, इलायची, दालचीनी, सबको मिला के इसको मिक्सी में पीस लिए हैं और अच्छी तरह से पीस लिए हैं। उसके बाद हम, अब देखिए, उसको मिठू की मम्मी डाल दिए। अब देखिए, मिठू की मम्मी चला रही है। कितना अच्छा, एकदम मीडियम गैस का फ्लेम रखना है, इसको चलाना है एकदम धीरे धीरे। इतना देर तक एकदम मसाला को फ्राई करना है कि जितना देर तक कि मसाला तेल ना छोड़े। देखिए, तेल छोड़ रहा है। अब हम लोग इसमें टमाटर को ऐड कर लिए। देखिए, दो गो टमाटर लिए थे बड़ा साइज का, इसको काट लेते छोटा छोटा, उसके बाद उसको ऐड कर दिए। अब इसमें हम लोग हल्दी मिलाने जा रहे हैं। हल्दी देखे 2 चम्मच दिए हैं। देखिए, एकदम मसाला प्याज एकदम देखिए कैसा दिख रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है। 1 चम्मच धनिया पाउडर का, धनिया पाउडर मिलाना है। 1 चम्मच जीरा पाउडर, देखिए कश्मीरी लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर और अच्छा हो जाता है बिल्कुल ही एकदम। सब देखिएगा आप लोग, जब कितना अच्छा दिखेगा कलर, देखिए कैसा दिख रहा है, बहुत मस्त दिख रहा है। आप लोग भी कभी बनाइए। अब एगो 5 रुपया वाला मटन वाला मसाला जो आता है बाज़ार में एकदम पोच में, उसको पूरा डाल दिए हैं। देखिए, आहा, कितना अच्छा सेंट आ रहा है। बिल्कुल ही आप लोग कभी बनाइए घर में, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को। मटन का पाया इस तरह से बनाइए कभी। इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, ताकि उसमें पहले हम लोग कम नमक डाले थे प्याज को गलाने के लिए, अभी नमक स्वाद अनुसार 2 चम्मच डाले हैं। देखिए, अब इसमें छोटी की मम्मी या मिट्ठू की मम्मी बोलिए, वो अभी देखिए सोया सॉस डालने जा रही है। सोया सॉस डालने से और टेस्ट आ जाएगा, देखिएगा मटन का पाया का। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसमें सट रहा था इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए। अब हम लोग को देखिए मसाला बन के बिल्कुल तैयार है। देखिए तेल छोड़ रहा है। अब इसमें हम मटन को, मटन का पाया को मिलाने जा रहे हैं। देखिए, मटन का पाया को अब डाल दिए हैं। अब इसको बिल्कुल ही मीडियम आँच में करीब करीब कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको फ्राई करना चाहिए, पूरा भूनना चाहिए। 10 से 15 मिनट तक पूरा भूनिए इसको अच्छी तरह से, एकदम धीरे धीरे चलाते रहना है ताकि पूरा मसाला नमक सबका मिल जाए अच्छी तरह से पूरा। देखिए अभी कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए कलर, देखिए आप लोग बिल्कुल ही एकदम मटन का पाया बनाइए इस तरह से, तो कभी आप लोग भूल नहीं पाएंगे खाने के लिए कि किससे बताए थे और किस तरह बनाए थे। अब देखिए, अब इसमें हम लोग गर्म वाटर मिलाइए, गर्म पानी मिलाइए, तो और टेस्ट बढ़ जाएगा आपका मटन का पाया का। बिल्कुल नहीं, देखिए हम 2 गिलास गर्म
अब देखिए मेरा सीटी मारना स्टार्ट कर दिया है, करीब करीब मरवाई कम से कम 4-5 से 6 सीटी, ताकि पूरा एकदम मटन का पाया गल जाए और आप लोग को खाने में भी एकदम बहुत आया। मटन का पाया कभी भी बनाइएगा तो कुकर में ही बनाइए, ताकि मटन का पाया अच्छी तरह से एकदम पूरा गल जाना चाहिए, ताकि खाने में बहुत और ज़्यादा टेस्ट लगे। देखिए मेरा कुकर बिल्कुल ही सीटी मार रहा है। देखिए अब देखिए हम इसको ढक्कन खोल दिए हैं कुकर का, अब देखिए कैसा दिख रहा है। आ हा हा, बिल्कुल ही देखिए पक के तैयार हो गया है, दिखने में भी बहुत मस्त लग रहा है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर रहा हूँ, धनिया पत्ता को छोटे छोटे काट लिए थे, ताकि धनिया पत्ता डाल देने से और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। देखिए मटन का पाया इतना अच्छा बना है, इतना अच्छा खुशबूदार इसका सेंट आ रहा है कि बोलिए। आज इसमें मेथी कसूरी मेथी का पत्ता का डाल दे रहा हूँ, ताकि और भी टेस्ट बढ़ा देता है कसूरी मेथी मिला देने से। मेथी का पत्ता देखिए बिल्कुल ही किसा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा बन गया है। देखिए बिल्कुल अब मेरा सब्जी बन के तैयार है। देखिए अब इसमें आप लोग प्लेट में सर्व कीजिए, और आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, पराठा के साथ खा सकते हैं, आप लोग जिसमें मन वैसा खा सकते हैं बना के। अगर यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो लाल बटन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अगर यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा।